सरफेस टेंशन हमने पढ़ा था, सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला था फोर्स अपॉन में लेंथ, है ना। अब एक बात और याद रखनी है, सरफेस टेंशन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी में आती है, और जो डायरेक्शन होगी अलोंग टेंजेंट होगी, टेंजेंट ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। तो अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन चाहिए तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा लिक्विड की सरफेस पर, ठीक है जी। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन के ऊपर कैसे कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं जो उसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड है, उन सब के बारे में बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये कि स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप, जो ड्रॉप देखे आपने पानी की ड्रॉप, जैसे नल के कई घरों में ढीले होते हैं तो उनमें से पानी टप टप टपकते रहते हैं, तो आपने देखा होगा जो पानी की बूंद गिरती है वो भाई तो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई तो कैटरीना का हेड देख लो, उसमें भाई तो बोतल में से आम की जूस की बूंद गिरती है, तो जो बूंद होती है आम के जूस की जो कैटरीना के होटो पे जाके गिरती है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, देखा है तुमने ये बात? यस सर। और वो क्यों होती है स्फेरिकल? वो होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि वो जो आम है वो आम खाती नहीं है, पीती है, और जो चीज पी जा रही है मतलब लिक्विड है, और लिक्विड है तो इसका मतलब लिक्विड की टेंडेंसी है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, और उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप अगर कोई पूछे तुमसे क्यों होता है तो बोलना ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा भाई, दूसरा बहुत कॉमन कॉमन से एग्जाम्पल है तो देखना जरा। जैसे भाई मान ले इब्रा कोई व्यक्ति नहा के आया, है ना, नहा के आया तो नहाकर आता है तो बाल जो होते हैं गीले हो जाते हैं, yes, sir. है ना, और बाल गीले हो जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअली होता क्या है कि बालों पर पानी लग जाता है और पानी की सरफेस टेंशन की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है इससे रिगार्डिंग, अरे बहुत बढ़िया भाई, घर में लड़ाई होगी दंगे से छिड़ रहे हैं, तो सुनो, तो घर जो क्या कहते हैं ये जो पेपर में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि जो हमारा शेविंग ब्रश होता है ना, शेविंग ब्रश जो होता है जब उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके जो हेयर्स हैं वो आपस में चिपक क्यों जाते हैं, तो उसके चिपकने का जो कारण है वो आप लिखेंगे सरफेस टेंशन। तो मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा, सारे लोग ध्यान से समझना इस बात को। तो ये जो बाल होते हैं इसके हेयर जो अपना दाढ़ी बनाते हैं लोग उसके लिए क्या कहते हैं, इसके जो पानी में डालते हैं फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं बाल चिपक जाते हैं, ड्यू टू किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। तो हेयर ऑफ ब्रश, शेविंग ब्रश लिख लेना, स्टिक टुगेदर व्हेन टेक आउट फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का ही कारण है क्योंकि यहाँ बालों पे पानी लग जाता है और पानी की टेंडेंसी है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की। एक क्वेश्चन याद है, व्हाई सरफेस टेंशन ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम कैप्ट लो। तो जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है उनकी जो सरफेस टेंशन होती है उसको कम क्यों रखा जाता है? इसका बिल्कुल सिंपल सा रीजन होता है, जो भी क्रीम बनाई जाती है फेयर एंड लवली, बोरो प्लस, जो भी है ना, वो सारी क्रीम इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा यूज ना हो, क्योंकि ज्यादा यूज होगी तो भाई साहब कॉस्टली पड़ेगा, बार बार लगानी पड़ेगी मान लो, है ना। तो होता क्या है, हम उसमें से थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं और उसको हाथ पे लगाया मान लो तो वो पूरे पे स्प्रेड हो जाती है, और स्प्रेड क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन हमने कम रखी हुई है। अगर उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा रखते तो कम एरिया में स्प्रेड होता, अरे बस समझ में। तो हाई सरफेस टेंशन रखने से और लो सरफेस टेंशन रखने से ये फायदा होता है, वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है, ये बात समझ में आ गई? सो दैट इट कैन स्प्रेड इन
लार्ज एरिया, समझ गया शुभम। मान ले शिवम ने क्या करा भाई साहब, शिवम को पार्टी में जाना है ना, कोचिंग में भाई साहब एनुअल फंक्शन हो रहा है, शिवम ने बोला कि यार आज तो भाई साहब हैंडसम बन के जाऊंगा, दो तीन फसाई लूंगा, तो भाई साहब क्या कहते हैं शिवम भाई, फेयर एंड लवली लाते हैं नॉर्मल जो आजकल चलती है गोरे होने वाली क्रीम, तो फेयर एंड लवली लाते हैं भाई साहब, जो लाते हैं और एक पाउच जो होता है पूरा का पूरा एक ही गाल पे लग जाता है, फैल ही नहीं पाता क्योंकि इसकी सर्फेस टेंशन हाई थी, तो यार नुकसान हो जाएगा, एक तरफ काला एक तरफ गोरा, अरे सही है कि गलत है शिवम भाई, तो क्या चाहिए भाई साहब, थोड़ी सी क्रीम हो और पूरे में फैल जाए, तो ऐसा कब फैलेगी जब उसकी सरफेस टेंशन क्या रखी जाएगी, लो रखी जाएगी, ये बात समझ में आ गई सबको। सौरभ रॉय, सौरभ रॉय आ गया भैया। अब सुनो एक क्वेश्चन और है, मच्छर मॉस्किटो है ना, कैन बी फ्लोट, अरे तुम बहुत ही टेंशन में रहते हो, ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, बोलते कुछ नहीं हो ना, हाँ ना ना, थोड़ा बहुत माइक से हटा के हंसी लिया करो ताकि लगे कि भाई बढ़िया चल रहा है मामला, सेटिस्फेक्शन से रहता है दिमाग में। मच्छर कैन बी फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, तो बोला गया आपसे कि कोई इंसेक्ट है जब वो पानी के सरफेस पर बैठ जाता है तो डूबता क्यों नहीं है, लेकिन अगर मान लो हमें बैठा दिया जाए तो भाई साहब डूब जाएंगे, तो इसका कारण क्या है, मच्छर तैर लेते हम नहीं ऊपर रुक पाते, अरे सही है कि गलत है भाई, Yes, sir. उसका कारण है सिंपल सा मनीषा, तो सिंपल सा कारण ये है, मान लो ये लिक्विड की सरफेस है, मान लो ये अपना मच्छर बैठ गया यहाँ पे है ना, अब ये जो मच्छर यहाँ पर बैठ गया तो मच्छर जैसी सरफेस पर बैठेगा सरफेस जो है कंप्रेस हो जाएगी कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, वंश 8x का जूम ही है वही पबजी वाला, अब ये यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मच्छर सरफेस पर बैठता है सरफेस थोड़ी सी कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप अब देखो तो ये सरफेस टेंशन की डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहाँ पर सरफेस टेंशन की डायरेक्शन ऐसे हो गई और इसका वेट लग रहा है नीचे कितना mg। अब सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक है यहाँ पर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये एस कॉस थीटा है और ये एस साइन थीटा है, ऐसे ही ये S है तो ये वाला एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये S cos थीटा और ये S sin थीटा, तो कहने का मतलब ये कि जब हमारे पास कोई मच्छर पानी की सरफेस पे या कोई भी इंसेक्ट पानी की सरफेस पे बैठता है तो उसके वेट को बैलेंस करने के लिए सरफेस टेंशन का कंपोनेंट यूज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वेट सरफेस टेंशन के कंपोनेंट के द्वारा बैलेंस कर दिया जाता है और वो डूबता नहीं है भाई। एमजी किधर लगा, नीचे, सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट है वो किधर लगा, ऊपर, दोनों बैलेंस हो गए, वो सरफेस पे टिक जाता है, आगे बात समझ में। यस सर, यस सर। तो आपको आंसर में जो लिखना है वो ये लिखना है, बिकॉज वेट ऑफ इंसेक्ट या मॉस्किटो बैलेंस्ड बाई द कॉम्पोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन, जो वेट होता है वो सरफेस टेंशन के कंपोनेंट के द्वारा बैलेंस कर दिया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद और क्वेश्चन है, इट इज बेटर टू वॉश द क्लोथ इन डिटर्जेंट वाटर, बस आपको इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे लिखाया जा रहा है ताकि इसकी सहायता से आपको याद रहे कि डिटर्जेंट मिलाने पर पानी की सरफेस टेंशन पर क्या फर्क पड़ता है। तो याद रखें जब हम उसमें रिन सुप्रीन और ये जो घड़ी है वो मिला देते हैं डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट क्या करते हैं, वो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन कम हो गई, अब उसकी स्प्रेड होने की, फैलने की टेंडेंसी बढ़ गई, इसका मतलब सरफेस टेंशन घटने से उसकी इट कैन स्प्रेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ क्लोथ, कपड़े के ज्यादा एरिया में अभी ये स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा पार्टिकल डस्ट पार्टिकल को बाहर कर पाता है, आगे बात समझ में। इट कैन स्प्रेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ क्लोथ, सो मोर डस्ट पार्टिकल आर रिमूव, अरे तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है क्या कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही आपको एक और बात याद रखनी है,
बात ये याद रखनी है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, इट इज बेटर टू वॉश क्लोथ बाय यूजिंग हॉट वाटर, गर्म पानी में धो भाई, गर्म पानी में धोने से क्या फायदा होगा? तो अगेन सेम क्वेश्चन है और उसका आंसर भी सेम है, टेम्परेचर यदि हम बढ़ा देते हैं तो पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और पानी की सरफेस टेंशन कम होने की वजह से पानी ज्यादा एरिया में स्प्रेड होता है आसानी से, और जिसकी वजह से क्या होता है वो इजीली छेदों में घुस के डस्ट पार्टिकल को बाहर कर देता है, सेम रीजन है। समझ गए ये बात? यस सर। तो सरफेस टेंशन की वजह से ही, आपको बता दूं जो हमारा सन है, सन सन का जो शेप है वो स्फेरिकल दिखता है ना हमें, क्योंकि वो गैसेस से बना हुआ है, और गैसेस का बना हुआ है तो फ्लूइड की टेंडेंसी है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल रहता है। आ रही कुछ बात समझ में? सर वापस मैं कह रहा हूँ, सन सन जो है ना, सन सूरज, सूरज की जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल। क्यों? क्योंकि सन में क्या है, गैसेस हैं, और गैसेस की टेंडेंसी और लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की। मतलब कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसको ये आंसर बताया था। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ऐसे ही और है, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें, जो मैंने आपको भेजा ना उसमें से देख लेना। जैसे आपने ये देखा होगा भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार पेपर में आया कि जो सूप होता है ना, सूप जो होता है जो मोमोस वाले की दुकान पर भी मिलता है और वैसे भी भजन परे पर रेडियो में बिकता है, चिकन सूप, वेज सूप, टमाटो सूप, मंचूरियन सूप, ये सारे सूप। तो ये जो सूप होते हैं, जब ये गर्म गर्म पीते हैं ना तो टेस्ट ही लगते हैं, और जब ठंडे हो जाते हैं तो वैसे मजा नहीं आता है ना, एकदम कहते हैं गरम गरम भाप में से, उसमें से कढ़ाई में से निकाल के दे तो मजा आता है। उसका कारण है क्योंकि जो सूप होते हैं उसमें जो मसाले मिक्स है, सारा टेस्ट तो उसका ही है, पानी तो घर पी लो। तो भाई साहब जो वो गर्म हो जाता है ना तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो जब उसको आप मुंह में डालते हैं चम्मच से तो भाई वो जीभ पे ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और जब जीभ पे फैलता है तो जीभ का एक एक जो है ना रोम रोम वो भी उसका स्वाद ले लेता है, तो भाई सब मजा आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब ठंडा करके पियो, कुछ भी मजा ना आए, तो ये सारी बातें। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये कुछ एग्जांपल है सरफेस टेंशन के, साफ कर दूं इसको? यस सर। बात है, तुमने देखा हो ना देखा हो, ऐसे पहले एक देखा था मैंने, जैसे कहीं पे वैक्स लगा दिया आपने, वो तो मैं वैसे बताऊंगा, तो जैसे कहीं पे वैक्स लगा दिया, मोम घिस दो है ना किसी पे, और उसके ऊपर फिर पानी डालो, तो पानी क्या होता है ना, स्फेरिकल शेप ले लेता है, मोम के साथ तो चिपकता ही नहीं है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। वो जो स्फेरिकल शेप ले ले रहा है वो ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? सरफेस टेंशन की वजह से। आ रही बात समझ में? तो कहीं भी क्वेश्चन ऐसा है लिक्विड में रिलेटेड जिसमें आपको ऐसा फील हो जाए कि हाँ भाई ऐसा लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है, तो सरफेस टेंशन होगा वहां पे। एक बात, दूसरी बात, जो आपको मैंने सेकंड असाइनमेंट रात को भेजा था, मैंने बोला है उसको कर लेना, मतलब उसमें कंसेप्चुअल भी है एक एक नंबर वाले, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है छोटे छोटे, तो उनको ट्राई जरूर कर लेना भाई, है ना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तो रोज रोज का 10-15-20 का भी टारगेट रखोगे तो हो जाएगा। चलो अगला टॉपिक है हमारे पास, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। मैं एक ही उससे एक्सप्लेन करूंगा, हालांकि यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक मिलेंगे आपको बुक में, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, पर मैं दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक ही उसमें, है ना, किस तरीके से वो देखो जरा भाई। हमारे पास मान लीजिए कोई लिक्विड है, आप लोगों को ये तो मानते होंगे सारे के सारे
कि भाई जो लिक्विड है, लिक्विड के आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को बोलते हैं कोहेजन या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर सीधी भाषा में बोलूं। मान लीजिए अगर ये कंटेनर है भाई साहब, कंटेनर में लिक्विड है, इस लिक्विड में कुछ पॉइंट्स ले लीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने नीचे ले लिया, ये रहा, इसका नाम रख देता हूं ए। अब इस ए पॉइंट के बारे में सोचो, ये ए पॉइंट चारों तरफ से लिक्विड के मॉलिक्यूल से ही घिरा हुआ है, सही है कि गलत है भाई? चारों तरफ इसके लिक्विड है, तो इसका बाजू वाला इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, नीचे वाला इधर खींचेगा, ऊपर वाला ऊपर खींचेगा। तो देखा जाए तो ये जो ए पार्टिकल है, इस ए पार्टिकल के आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल सब आपस में इसको एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो गई। नेट फोर्स इस पे कितनी होगी? जीरो होगी। अगर यही कहानी मैं एक ऊपर सरफेस पे मॉलिक्यूल ले लूं उसके लिए करूं, मान लो ये बी है, तो बी वाले के बगल में लिक्विड का मॉलिक्यूल खींचेगा इधर, ये वाला इधर खींचेगा, नीचे वाला नीचे खींचेगा, लेकिन ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं इसके, है ना? अगर ऊपर इसमें लिक्विड नहीं है भाई, तो असद इसको बंद कर ले यार। तो जो लिक्विड है देखो, नीचे नीचे लिक्विड है, ऊपर लिक्विड ही नहीं है इसके, क्योंकि ऊपर तो एयर है। तो होगा क्या, ये तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही ऊपर से। Yes, तो सही मायने में देखा जाए तो जितने भी ये मॉलिक्यूल सरफेस पर होंगे सब पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी, ठीक है? तो इस मॉलिक्यूल में ना पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें भाई, उससे भी कई गुना ज्यादा, पर हम एक दो के लिए स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, तो इसकी नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज लेस। तो कहने का मतलब ये कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं या सरफेस के नजदीक हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये लेस स्टेबल होते हैं। और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनस्टेबल होना पसंद नहीं करता, हर कोई चाहता है कि लाइफ में सेट हो जाए। तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम क्या करें, लेस स्टेबल है तो इसलिए हम क्या करें, अपने आप को स्टेबल करते हैं, क्यों ना नीचे भागा जाए। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तो अगर नीचे भागना है तो नीचे मॉलिक्यूल भाग जाएंगे तो ऊपर मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, कम होगी। अगर ऊपर मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी तो लिक्विड क्या करेगा, अपना सरफेस एरिया कम कर लेगा, लिक्विड क्या करेगा, अपना सरफेस एरिया कम कर लेगा। और ये जो टेंडेंसी है इसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। बात समझ में आई क्या सर? एक बार दोबारा बता दो पूरी कहानी शुरू से, डायग्राम से? नहीं सर, जो आप अभी बता रहे थे। चलो भाई ध्यान से सुनना सारे के सारे, है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं लिक्विड के, जितने भी मॉलिक्यूल, सब उन पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगती है। तो एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और ये लेस स्टेबल होते हैं जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है ये लेस स्टेबल है, ये कहानी मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ और टॉपिक बिल्कुल 100% एक्यूरेट पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं जो सरफेस पर है वो लेस स्टेबल है, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबल कहाँ हो सकते हैं, लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर आ गए मान लो, तो अगर सरफेस पे से कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर आ गए तो ऊपर सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो गई। yes. इसलिए क्या हुआ कि लिक्विड ने अपना सरफेस एरिया कम कर लिया। भाई सरफेस एरिया कम हो रहा है इसका मतलब सरफेस पे मॉलिक्यूल की संख्या कम हो रही है ना भाई? yes. तो इस टेंडेंसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, दूसरी टॉपिक इससे रिलेटेड ये है। बच्चों आप बड़े ध्यान से देखो, अब हम अगर
लिक्विड के अंदर की बात करें तो मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम है, लेकिन जब मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे हम जैसे जैसे लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, ये बात याद रखें, सही है। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हम किसी लिक्विड की सरफेस एरिया को बढ़ाएं तो क्या होगा, अंदर के मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे, और जब अंदर के मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे तो भाई उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सही है कि गलत है? Yes. इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूं कि जो मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर होते हैं उनके पास अंदर वालों के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होती है, लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर होते हैं उनके पास अंदर वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में एनर्जी ज्यादा होती है, वो जो ज्यादा एनर्जी है वो कहलाती है सरफेस एनर्जी। क्लियर है सबको ये बात? तो इसकी डेफिनेशन है एक्स्ट्रा एनर्जी पजेसेस बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड लिक्विड ऑन द सरफेस देन मॉलिक्यूल बिलो द सरफेस। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो आपको अगर पेपर में लिखना है तो मैं पूरी कहानी तो लिखूं, पेपर में क्या लिखेंगे हम? पेपर में क्या लिखेंगे कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं उनके पास नीचे वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी होती है, वो ज्यादा एनर्जी क्या कहलाती है? एक्सेस सॉरी सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो द एक्स्ट्रा एनर्जी पजेसेस बाय मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस देन मॉलिक्यूल बिलो द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब भाई ये तो हो गया सरफेस एनर्जी के बारे में, अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली सरफेस एनर्जी ई बराबर होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाने में जितना कार्य किया गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अपॉन में इंक्रीज इन एरिया। समझ गए क्या? तो सरफेस एनर्जी ई बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन में डेल्टा ए। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन में डेल्टा ए। क्लियर है ये बात? इस फॉर्मूले को रट लेना, न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल। अच्छा भाई, है ना। इसके बाद इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी, ऊपर वर्क है, वर्क की यूनिट होती है जूल, नीचे एरिया है तो जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है m1 l0 t minus 2। मैं अपनी बातों को दोबारा से रिपीट करता हूं। लिक्विड में, अगर ये कंटेनर में लिक्विड है तो इस लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो एनर्जी होती है अंदर वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास अंदर वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, वो एनर्जी कहलाती है सरफेस एनर्जी। क्लियर है सबको? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वजिया नहीं आई? वजिया। अरे यार, एक तो वैसे यार वो चल रहा था लॉकडाउन में, उसमें कंगाली, ऊपर से साला ये लॉकडाउन, एक तो पहले से ही पिछले साल 11th में इतने अच्छे बच्चे मिले थे पढ़े लिखे, इस साल फिर वैसे हो गया। चलो भाई अगला टॉपिक है, और टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट,
टॉपिक क्या है ये ध्यान से देखना. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड. अब हमें लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाना है तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना? तो अब वही निकालते हैं, देखो बड़े आराम से हो जाएगा. इसको पेपर में दो तरीके से पूछता है. एक और तरीका है इसका, वो ये है, शो दैट सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन. सरफेस एनर्जी ही सरफेस टेंशन के बराबर होते हैं दोनों. तो इस बात को प्रूफ करना है. दो नंबर का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, है ना? तो देखो, और ये जो वर्क वाला फॉर्मूला होगा इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा. तो देखना जरा, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर. वायर के द्वारा बनाया गया, एक वायर थी जैसे फुलझड़ी में वो निकलती है ना, लोहे वाली वो निकलती है छड़ी, वैसे उसको बैंड कर लिया रेक्टेंगुलर शेप में. एक यहां पर इसको ये एक ये हो गई, है ना, ये पूरी वायर हो गई. ये ए बी है, ए बी जो है ये मूवेबल है, मतलब ए बी को आप इधर उधर लेफ्ट राइट ले जा सकते हैं. तो ए बी क्या हुई, एक मूवेबल वायर हुई. ए बी ये सी और ये कितना डी, इसकी जो लेंथ है वो एल है. अब एक बात बताओ, अगर मैं ए बी को इधर या इधर ले जाऊं तो लेंथ में क्या चेंज आएगा ए बी की? सर कोई चेंज नहीं आएगा. कंसीडर, बाकी लोग भी कुछ कह सकते हैं अगर चाहो तो. रेक्टेंगुलर सर ए बी की लेंथ में पूछा है ना आपने. हाँ, कंसीडर रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर हुज साइड, हुज मूवेबल साइड, मूवेबल साइड, मूवेबल साइड इज ए बी, जिसकी मूवेबल साइड ए बी है, ठीक है, इज डिप्ड इन सोप लिक्विड. इसको डिप करा है सोप लिक्विड के अंदर. आपने देखा होगा कि अगर मैं पानी के अंदर एक सर्प को घोल दूं, है ना, और उसके अंदर एक वो सर्कुलर आता है जो वायर का ही बना होता है, वो भी उसको डिप कर दूं, फिर बाहर निकालता हूं तो इस पर एक फिल्म बन जाती है, उसको बोलते हैं लिक्विड फिल्म. लिक्विड की फिल्म बन जाएगी उस पर, फिर उस फिल्म पे फूक मारो तो बबल्स बनते हैं, है ना? तो बस वही सीन है, पर ये हमने रेक्टेंगुलर लिया हुआ है. अब जब मैंने इसको डिप करा होगा तो इसमें एक लिक्विड की फिल्म बन जाएगी. वो लिक्विड की जो फिल्म है, और लिक्विड की टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना, तो वो लिक्विड फिल्म चारों तरफ से इसको इस तरफ सरफेस टेंशन लगाएगी, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया कम रहे. किसका? ये जो लिक्विड फिल्म बनी होगी यहाँ पर, है ना? अब हम तो क्या करने वाले हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने वाले हैं इसका. अगर मेरे को इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है तो मैं इस वाली साइड को ए बी को एफ फोर्स से बाहर की तरफ खींचता हूं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा. अब मान लो जब मैंने इसको खींचा तो ए जो है वो तो आ गया यहां पर, और बी जो है वो आ गया यहां पर, तो बी से बी वन और ए से ए वन. तो ये जो ए बी साइड है इसकी, ये कितना मूव कर गई, तो डी एक्स मान लीजिए, मैंने इसको इस तरफ खींचा और इसको dx मूव करा दिया, तो जो फिल्म मेरे को पहले इतनी दिख रही थी अब वो इतनी बड़ी हो गई है. समझ रहे हो मेरी बात? तो बताओ मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? यस सर, यस सर, बढ़ाया मैंने. अब मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया तो अब उसके लिए मेरे को कार्य करना पड़ा, और मेरे द्वारा जो वर्क किया गया है, मेरे द्वारा जो यहाँ पर वर्क किया गया है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, वही वर्क सरफेस एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा. तो देखो जरा, लेट डी डब्ल्यू इज वर्क
टू मूव साइड ए बी टू कितना डीएक्स, ए बी साइड को डीएक्स चलाने के लिए हमने थोड़ा सा कार्य करा, थोड़ा सा वर्क करा और उस वर्क का नाम है डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्योंकि हम लोग को ये जो वर्क करना पड़ा है ये सरफेस टेंशन के अगेंस्ट करना पड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन में लेंथ। बोलो ये सही है, सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। यस। लेकिन अब यहां पर मैं एक चीज बोलने वाला हूं, इसको याद रखना है फिलहाल, कि जो हमारी सोप की लेयर होती है या जो सोप लिक्विड होता है उसमें हम दो लेयर लेते हैं। मान लीजिए मेरा हाथ जो है सोप लिक्विड की एक लेयर है ना, ये लिक्विड की लेयर है, तो ये लिक्विड है, इसके बगल में एयर है, तो लिक्विड एयर एक इधर हो गया, लिक्विड एयर एक इधर हो गया, तो इस लेयर के दोनों तरफ हवा है, लिक्विड एयर की इधर, लिक्विड एयर की इधर। तो ऐसे केसेस में मतलब सोप लिक्विड की अगर मैं फिल्म की बात करूं तो यहां पर हम दो लेयर काउंट करते हैं, इस बात को याद रखना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, केवल 2L लिख दूंगा, केवल ये जो लेंथ ली है ना मैंने, इसको 2L लेंगे। क्या लिख दूंगा यहां पर, सोप लिक्विड हैज टू लेयर्स, कुछ रीजन नहीं देना, बस इतना लिख देना, सोप लिक्विड के पास दो लेयर्स होती है। तो अब बताओ फोर्थ की जगह कितना हो गया, S इंटू में 2L, S इंटू में 2L इंटू में कितना dx, सही है गलत है भाई। अब एक छोटी सी बात और, 2L इंटू में dx, भाई 2L हमने किसकी लेंथ मानी है, इस AB की, इस AB की लेंथ मैंने 2L मानी है, और ये दूरी कितनी है मेरे पास dx, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इस वाले की लेंथ इंटू में इस वाले का एरिया, इस वाले की लेंथ इंटू में इस वाले का ये ब्रेड, तो लेंथ इंटू ब्रेड इस वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, इस पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो 2L इंटू dx को लिख देंगे dA, क्योंकि स्मॉल चेंज कराया हमने एरिया में, तो dA लिख देंगे। तो 2L इंटू में dx की जगह हो जाएगा dA, तो सर कितना आ गया s इंटू में dA, तो dW वर्क बराबर आ गया s सरफेस टेंशन, dA मतलब स्मॉल चेंज इन एरिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर पूरे का वर्क निकालना है, तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोनों तरफ मैं सांप का निशान लगा दूंगा और ये सांप का निशान हमें इंटीग्रेशन की याद दिलाता है, तो s इंटू में dA। अब बच्चों वर्क कहां से कहां तक हुआ, जीरो से W तक। अब A इनिशियल A फाइनल, A इनिशियल से लेकर A फाइनल, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, D हट जाएगा, केवल W, W हो जाएगा, सरफेस टेंशन यहां से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dA का होगा, dA का इंटीग्रेशन जब होगा तो D हट जाएगा, A रह जाएगा, उस A की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर आ जाएगा कितना A फाइनल माइनस A इनिशियल। A फाइनल माइनस A इनिशियल को लिख देंगे हम चेंज इन एरिया मतलब डेल्टा ए। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि वर्क बराबर आ गया एस डेल्टा ए, वर्क बराबर हो गया एस डेल्टा ए। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा एग्जाम के अंदर, कई स्कूलों में आएगा अगर अच्छा पेपर बनाएंगे तो, वरना तो ये हो ही गया। अब लेकिन आपको ये भी पता है एंड वर्क अपॉन में डेल्टा ए, बच्चों ये जो डेल्टा ए ना मल्टीप्लाई में, इसको मैं यहां पर डिवाइड में ले आया, तो वर्क अपॉन में डेल्टा ए बराबर हो गया एस। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा है, वर्क अपॉन में डेल्टा ए तो बराबर होता है ई के, वर्क अपॉन में डेल्टा ए तो ई के बराबर होता है, इसका मतलब यहां से ई बराबर किसके आ गया एस, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर आ गई। क्लियर है क्या ये बात? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बस यहाँ पर टू से बाद में कंफ्यूज मत होना,
तू यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि सोप लिक्विड है, ये आपको मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा जब आप कर रहे हैं, अदरवाइज हो सकता है टीचर हाफ नंबर काट ले अगर उन्हें पता है तो, ठीक है, तो उससे आगे कोई समस्या नहीं आएगी, ये तो पक्का है। तो मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बता दिया, एस डेल्टा ए वर्क अपॉन में डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया हो गया सरफेस टेंशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन करा देता हूँ इससे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया सर। चलो भाई क्वेश्चन ये है, लो हो रही है, एक सेकंड रुको, अभी अभी आया है ना। चलो भाई आवाज आ रही है मेरी, ठीक है तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अरे कर दूँ साहब इसको? यस सर। ठीक है तो क्वेश्चन ये था, बिल्कुल ना बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और मैंने देखा हुआ है कई बार इसलिए मैं इसको हैंडल कराई थी। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, क्वेश्चन ये है, ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 millimeter ब्रेक्स इनटू 1000 droplets, छोटे छोटे droplets of equal size. Calculate resultant change in surface energy. सरफेस टेंशन दे रखे 0.07 न्यूटन पर मीटर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो भाई। अरे बोल दो भाई। यस सर। ठीक है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो बहुत सिंपल सा वे है हमारे पास, करना क्या है हमें भाई, देखो ये पहले बड़ी ड्रॉप थी, इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर, इससे छोटी छोटी ड्रॉप बनाए गए तोड़ तोड़ के, जिनकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। आपको याद है मैंने एक रिलेशन कराया था कैपिटल आर में, कैपिटल आर बराबर एन की पावर 1/3 इंटू में स्मॉल आर कराया था। यस सर। अब कैपिटल आर और इसमें ये रिलेशन होता है, तो n की जगह कितना हो गया 1000 की पावर 1/3 इनटू में r। मैंने बोला था जब भी कहीं स्प्लिट करोगे टर्म को तो हमेशा रेडियस का ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे। बच्चों 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10, जिसका मतलब कैपिटल r बराबर हो गया 10 स्मॉल r। बड़े वाले की रेडियस मेरे को पता है, अगर इसका बड़े वाले का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसका रेडियस हो जाएगा 2 मिलीमीटर है ना, और मिली का मतलब होता है 10^-3, तो 2 × 10^-3 मीटर आ गए। अब मेरे को स्मॉल आर निकालना है,
स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर मतलब 2 इनटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में 10 मतलब 2 इनटू 10 की पावर माइनस 4 मतलब 0.2 इनटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। बोलो सही है क्या ये? ठीक है भाई। यस सर। तो अब क्या करना है, अब पहले वाला एरिया निकालो, एरिया इनिशियल, पहले एरिया इनिशियल कितना है इसका एरिया। ड्रॉप कैसे होती है, स्फेरिकल, और अगर ये स्फेरिकल है तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, कैपिटल आर की जगह आ जाएगा ये, तो आर मतलब 2 दूनी 4 इंटू में 3 दूनी 6, तो ये था आ गया हमारे पास ए इनिशियल। अब जब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करके मैंने कितनी ड्रॉप्स बना दी यहाँ पर, 1000। तो फाइनल एरिया निकाल दो, फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 1000 इंटू में 4 पाई इंटू में स्मॉल आर स्क्वायर। सही है भाई यहाँ पे 1000 इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, इसको सॉल्व करना है 1000 इंटू में 4 पाई इंटू में आर, आर की वैल्यू यही वाली लिखी रहने देता हूं, बाद में कर लूंगा मैं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 की 4 इंटू 10 की पावर माइनस आर, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहां से इसको बैक कर दो, माइनस 6 में आना, तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 4 40 इंटू में 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6। बोलो सही है क्या? तो चेंज इन एरिया कितना आ गया, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल में 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा यहाँ 40 माइनस 4। सही है क्या भाई, इसमें से 4 पाई 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ गया ना, 40 माइनस 4 तो कितना हो गया, 40 में से 4 गया तो 36 इंटू में 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? महाभारत रह गई हो जाएगा, जल्दी बोलो भी कर लोगे हो सर आवाज, बस अभी सही सॉल्व करना है ना डेल्टा ए को, डेल्टा ए तो सॉल्व करना है लेकिन उसको सरफेस टेंशन से तो मल्टीप्लाई करना है तभी तो सरफेस एनर्जी आएगी। यस सर। क्या निकाला है हमने फॉर्मूला, जो वर्क निकाला है हमने, वर्क बराबर कितना आ जाएगा एस डेल्टा ए। अब इसको डेल्टा ए को ये रखना, एस की जगह ये रखना, कर लोगे इतना? यस सर। तो भाई पेपर में डिक तो एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस इतना याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस टॉपिक पे, इसका स्क्रीनशॉट, बस अभी 10 मिनट में वो चार्ज हो जाएगा, मैं फिर लगा थोड़ा सा मैनेज कर लो बस। चलो भाई स्क्रीनशॉट हो गया, चलो भाई आगे मैं कुछ बातें बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। टॉपिक का नाम है यहाँ पर, अब लिक्विड के पार्ट में आगे आ जाते हैं सरफेस पे थोड़ा सा, अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी शायद, आज भी हो सकता है, कितना टाइम हुआ है उसके हिसाब से 6 बजे भी। अरे बहुत बढ़िया यार टाइम है, 1 घंटा कैसे निकल गया, नहीं तो रात में जो 9 बजे मैं तो बहुत लगता है मेरे को, 1 घंटे से ज्यादा जब पढ़ाई में बढ़ता मेरा लगता है खत्म। ये वाला सही है, तुम लोग हाना करते रहते हो अच्छा भी नहीं भाई। क्वेश्चन है मेनिस्कस, बस थोड़ा बहुत ना हंस दिया तो और हो जाए, कोई समस्या नहीं है, आदत भी पड़ी हुई है सक्सेस वाले को तो ना हंसने की, है ना। तो मेनिस्कस, मेनिस्कस का मतलब क्या, शेप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब मेरे पास कुछ है नहीं जिसमें मैं तुम्हें करके दिखाता वैसे पांच लोग, पर मैं कोई नहीं आपको याद दिला दूं, शेप ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस।
अब जो मेनिस्कस कहते हैं लिक्विड की जो ऊपर वाली सरफेस जो आपको दिखाई देगी ना उसको बोलते हैं मेनिस्कस। अब ये मेनिस्कस तीन तरीके के होते हैं। पहला मेनिस्कस कॉनकेव जो अंदर की तरफ धंसा होगा, दूसरा होता है कॉन्वेक्स जो ऊपर की तरफ उभरा होगा, एक होता है प्लेन। तीन तरह के मेनिस्कस होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड प्लेन। अब अगर मैं किसी ग्लास के कंटेनर में, कांच के कंटेनर में पानी भर देता हूँ, वाटर, तो उसका मेनिस्कस ऐसे रहेगा। ऐसे करते हैं। अगर मैं कांच का कंटेनर है, ग्लास वाटर, तो जब हम कांच के कंटेनर में पानी को भरते हैं तो वो ऊपर से देखने पर ऐसा दिखता है मेनिस्कस, देखा है? जैसे अपना कटोरा नहीं होता, कटोरा ऐसे ऐसे यस सर। देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। कोने से तो चिपका होगा यहां से और बीच में नीचे की तरफ होगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस। अब अगर पिपिट में भी होता मैं है, पिपिट में जो होता है हाँ जो वही वही जो ब्यूरेट होती है हमारी जिसमें हम 50 ml भरते हैं ना, आपने अगर एक्सपेरिमेंट कराओ, टाइट्रेशन जरूर कराते हैं, तो टाइट्रेशन में आपने ब्यूरेट देखी होगी, 50 ml उसमें लिक्विड भरते हैं और उसमें आप देखो ऊपर की तरफ ऐसे कटोरे जैसा दिखता है ना, उसको मेनिस्कस बोलते हैं। आपको शायद कई स्कूलों में टीचर जो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो वो बताते हैं कि इसकी मेनिस्कस में लोअर मेनिस्कस से आपको रीडिंग देखनी होती है। हाँ, यस सर। और जिन्होंने नहीं करा कोई समस्या नहीं है, ऐसे बहुत। अब इस ग्लास के ही कंटेनर है कांच का, इसमें मरकरी भरी हुई, तो अगर मैं मरकरी मरकरी को भरता हूँ इसमें तो इसका जो मेनिस्कस होगा वो कॉन्वेक्स शेप में होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगी शेप। इसका मैं एक एग्जांपल ऐसे दिखा देता हूँ, मरकरी आपने कहाँ देखा है, जैसे थर्मामीटर होता है ना, तो जो थर्मामीटर होता है उसमें वो देखना, जब वो उसमें चढ़ जाता है तो ऊपर ऐसे बनता है मेनिस्कस, देखना यस सर। तो वो ऊपर से देखने में पता है आपको बॉल जैसी शेप में लगता है, जैसे कि इसके अंदर मरकरी की, मतलब इसके अंदर कोई गोली डाली हुई है, साइकिल की गोली होती है ना छोटी सी स्फेरिकल सी, ऐसा लगता है। लेकिन रियलिटी में क्या है, उसकी वो अपर सरफेस ऐसा मेनिस्कस बनाती है कॉन्वेक्स शेप में। अब आ जाते हैं प्लेन की बात करें, तो प्लेन में ऐसे यूज होता नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। जो मैंने एक एग्जांपल पढ़ा होता है, सिल्वर का कंटेनर ले लो, चांदी का ग्लास, और इसमें हॉट वाटर डालो, हॉट वाटर, तो कहा जाता है कि जो मेनिस्कस होगा वो बनेगा कैसा, प्लेन मेनिस्कस। अगर मैं सिल्वर के कंटेनर में हॉट वाटर गर्म पानी डालूंगा तो उसका मेनिस्कस प्लेन बनेगा, अगर कांच के कंटेनर में मैं मरकरी डालूंगा तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, और अगर कांच के कंटेनर में पानी डाल दो, दूध डाल दो, ज्यादातर लिक्विड का, मैक्सिमम लिक्विड का कॉनकेव ही बनता है। लेकिन मरकरी एक ऐसा है लिक्विड जिसकी जो मेनिस्कस होती है ना वो कॉन्वेक्स शेप में होती है, केवल मरकरी ऐसा। बात समझ लीजिए। अब यस सर, समझ। यहाँ पर ये जो सारे खेल हो रहे हैं ये हो किस वजह से रहे, ये कर्व्ड सरफेस क्यों है, तो आंसर है ड्यू टू सरफेस टेंशन। आगे बात समझ में। ड्यू टू सर यस। अब अगर इनको लिक्विड को अपनी इस वाली शेप को, इसकी कर्व्ड वाली शेप को ऐसे ही मेंटेन रखना है तो होता क्या है, यहाँ पर इसको चाहिए एक्सेस प्रेशर, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक है एक्सेस प्रेशर, जितना जल्दी करोगे उतना आगे टॉपिक हो जाएगा, अगली क्लास लग जाएगी इसमें। आज एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, ड्रॉप वगैरह हो जाएगा, अगली क्लास में कैपिलैरिटी और चैप्टर पूरा कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? यस सर। अब टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा प्रेशर। तो
इसके लिए ना पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि कभी फ्यूचर में अगर कोई आपको समझाए तो आपको पहले से नॉलेज हो कि x एक्सप्रेशन हमारे टीचर ने पढ़ा रखा, वरना अदरवाइज ज्यादातर तो डेफिनेशन लिखा। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। भाई मान लीजिए मेरे पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड का मेनिस्कस, ये लिक्विड का मेनिस्कस। अब मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, ये है कॉनकेव साइड, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड, और ये है प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स। अंतर क्या है? CONC, कॉनकेव और प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। अब यहाँ पर आ जाओ, इन द सेम वे फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए ये है प्रेशर कॉन्वेक्स साइड का, और ये प्रेशर होगा यहाँ पर कॉनकेव साइड। समझ गए दोनों बात? कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर, कॉनकेव साइड का कॉन्वेक्स साइड का, दोनों तरफ लिख दिया। अब मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन लग रही होगी, आपको याद होगा मैंने पढ़ा है, कोई चीज अगर सीधी है तो इसका टेंजेंट ऐसा ही होगा, अगर ये कर्व हो जाएगी तो टेंजेंट ऐसे हो जाएगा, है ना? तो ये इसका टेंजेंट है, सरफेस टेंशन को शो करता है, यहाँ से ये सरफेस टेंशन को शो करता है। अब ये सरफेस टेंशन के दो कॉम्पोनेंट बनाओ, एक ये एंगल थीटा है, ये एस, तो ये एस कॉस थीटा, और ये वाला एस साइन थीटा, इसका मतलब ये तो बैलेंस हो रहेगा, हर एक एस कॉस थीटा बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन सबका एस साइन थीटा ऊपर की तरफ लग जाएगा, ये एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ये जो सरफेस टेंशन है ये किस तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ, यस सर, ये ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए प्रेशर किधर लगना चाहिए? नीचे की तरफ। तभी बैलेंस कर पाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये बताओ, ये वाला प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि नीचे वाला? सर ऊपर। सोच के बोलो, अगर s cos s sin थीटा को बैलेंस करना है तो ऊपर से वाला जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा होना चाहिए, जो नीचे से लग रहा है वो ज्यादा होना चाहिए? वाला सर, ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए। ऊपर वाला, नीचे वाला? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला ही ज्यादा होना चाहिए। भाई जब यहाँ से ज्यादा लगेगा तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा। सोच के देखो, यहाँ से भी प्रेशर ज्यादा लग जाए, सरफेस टेंशन भी ऊपर लग रही है, तो ऊपर से बैलेंस ही ना हो पाएगा, तो सरफेस सीधी हो जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होती। नहीं समझ पाए मेरी बात? समझ गए। अब इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ लिख देता हूँ, साक्षात प्रेशर कॉनकेव साइड में ज्यादा है प्रेशर कॉन्वेक्स में, इस वाले एक्सपेरिमेंट में, तो जब कॉनकेव मेनिस्कस था। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर भी वही चीज रिपीट है, ये एस, ये भी एस, ये थीटा, तो ये वाला एस कॉस थीटा। कंपोनेंट बनाना मैंने सिखा पाऊंगा पहले का पार्ट है, ऐसे यहाँ पर ये एस कॉस थीटा और नीचे की तरफ एस साइन थीटा, ये एस साइन थीटा इस बार नीचे की तरफ। तो बताओ इस एस साइन थीटा को अगर बैलेंस करना है तो प्रेशर किधर लगना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ लगना चाहिए, सबको यही लग रहा है। यस सर। यस। तो मतलब कौन सी साइड पे ज्यादा होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? सर कॉनकेव। कॉनकेव। अभी भी कॉनकेव पे ज्यादा है, सब समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अभी भी कौन सी साइड पे ज्यादा है प्रेशर? यस सर। कॉनकेव साइड पे, क्योंकि इस सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए इस साइड से प्रेशर ज्यादा लगे, इस तरह यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर भी कॉनकेव पे ही ज्यादा है कॉन्वेक्स से। तो आपको अब याद क्या रखना है, ये सब करके तो दिखाना नहीं होता एग्जाम में, ये तो अपने नॉलेज के लिए होता है। अब आपको याद क्या रखना है कि जब भी हमारे पास कोई लिक्विड की कर्व्ड सरफेस होती है तो उसकी कॉनकेव साइड पे हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है
कॉन्वेक्स साइड्स है और वही प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। बात समझ में आएगी? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव साइड एंड कॉन्वेक्स साइड ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। इसी लिक्विड के मेनिस्कस के कॉनकेव साइड इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से, तो पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर। की बात समझ में आ गई क्या? यस सर। बताना जरा फ्लैट वाले में कहां ज्यादा, ऊपर या नीचे? अगर प्लेन सरफेस है तो कहां ज्यादा होगा? सर इक्वल सर, इक्वल होता है। इसलिए हमेशा याद रखें जो एक्सेस प्रेशर हमें निकालनी है वो हमेशा स्फेरिकल मेनिस्कस के ही लिए पॉसिबल है। पॉसिबल है बोल दो या फिर बोल दो के लिए निकाली जाती है ना, स्फेरिकल मेनिस्कस के लिए ही निकाली जाती है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लो जरा। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं ये कह रहा हूं अगर ये टॉपिक एग्जाम में ना आए ना 3 नंबर में, तो भाई जो ऑनलाइन में फीस जमा कराओगे वो सारे वापस ले लेना ऑनलाइन। ठीक है भाई? अरे फीस सबमिट करा दो, फीस के लिए भी बड़ी ध्यान रखो भाई, है ना? जो एके वाले उन्होंने भी फीस सबमिट करानी है भाई, समझ? ये पता है तुम्हें बात? अरे इब्रा। यस सर। इब्रा ठीक है, आशीष, महक, सबा और जो सिमरन और yes, sir. बाकी तो गायब है। पीयूष भाई फीस सबमिट करा दो 11-12 तारीख। सर कहाँ करानी है? ये गुड क्वेश्चन, या तो मेरे को सेंड कर दो फोन पे या पेटीएम पे या अनिश सर को, और जब भेजोगे तो उन्हें फोन करके बताना है कि सर हमने फीस पे करी है अभी इस नाम से, और उसका स्क्रीनशॉट भी देना पड़ेगा, है ना? समझो है बेटा? पेटीएम नंबर? हाँ फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अनिश सर का नंबर उसका नंबर होगा ना, या फिर फोन नंबर ही है उनका? हाँ हाँ मैं अनिश सर को अनिश सर का देता हूँ, अनिश सर का फोन नंबर ही, अनिश सर ने हाँ उनका फोन नंबर ही होगा, पेटीएम नंबर है। तुम्हें क्या बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब जो मैं बताने वाला हूँ 99% क्या मैं बोल सकता हूँ 99% गलत प्रूव हो जाएगा। सही है भाई, ये एग्जाम में छपेगा और बड़े ध्यान से समझना और आसान है, अपनी बुद्धि मत लगाना, जितना मैं बोलू उतना करना, तो समझ में आ जाएगा। 3 नंबर का टॉपिक है, अपनी बुद्धि इसलिए मत लगाना भी क्योंकि ना जैसे फॉलो करना नहीं समझ में आएगा। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप, वही चीजें पुरानी फॉलो करो, उसकी नई चीज नहीं आएगी, देखते रहना। हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है ड्रॉप का। ड्रॉप तो सब जानते हो कौन होती है? यस सर। यस सर। तो ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर निकालना। अब एक बात बताओ भाई, ध्यान से देखना, अगर ये मेरे पास एक ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप है ना, ये पानी की ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है,
आप लोग खुद सोच के बोलना, ये पी इनसाइड है और ये पी आउटसाइड है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर वाला कि आउटसाइड? सर अंदर वाला। अंदर वाला क्यों? क्योंकि वो कॉनकेव साइड पर है। yes. ठीक है, तो इसका रेडियस आर है, तो P इनसाइड ज्यादा है। अब बताओ अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में कौन ज्यादा है? अंदर का ज्यादा है। अंदर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये जो ड्रॉप है इसका साइज इंक्रीज होगा, बहुत माइनर सा चेंज आया, इंक्रीज होगा। भाई अंदर से प्रेशर ज्यादा लग रहा था, बाहर से प्रेशर कम था, इसलिए ये एक्सेस प्रेशर की वजह से ये अपना साइड बड़ा कर लेना। अब कितना बड़ा हो गया साइड, तो डेल आर इंक्रीज हो गया। दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल, डेल मतलब डेल्टा, इसको डेल पढ़ते हैं। तो ये जो डेल का साइन है ये दिखाता है बहुत स्लाइटली इंक्रीज को, स्लाइटली चेंज को। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। अब अगर ये स्लाइटली इंक्रीज हो गया, तो अब अगर आप बड़े वाले को देखें, बड़े वाले गोले को, तो बड़े वाले गोले का रेडियस हो गया आर प्लस डेल आर, बड़े वाले गोले का रेडियस ये हो गया आर प्लस डेल आर। ये बात समझ में आ गई थी सबको। अब हमें करना क्या है, कंसीडर ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड सरफेस टेंशन एस। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, सबने पढ़ा है कि वर्क बराबर होता है वर्क बाय प्रेशर, वर्क बाय प्रेशर निकालो, तो वर्क बराबर होगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल आर लेना, और फोर्स तो लेकिन पाके बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो डब्ल्यू बराबर हो गया पा इनटू में डेल आर। लेकिन एरिया कितना है अंदर वाले का, क्योंकि अंदर वाले में ही तो एक्सेस प्रेशर लगा था, अंदर वाले का एरिया कितना है? इसका एरिया गलत हो, फोर पाई कैपिटल आर, फोर पाई कैपिटल आर। तो वर्क बराबर हो गया पी इंटू में फोर पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब एक और एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, कौन सा वाला? देखो, वर्क डन टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जब भी बढ़ेगा तो वर्क का फॉर्मूला कितना होगा? S delta A होगा। मानते हो वाली बात? तो अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी तुम लोगों को, इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मतलब फाइनल एरिया, मतलब बड़े वाले का एरिया माइनस इनिशियल, मतलब छोटे वाले का ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। बच्चों जो बड़ा वाला है ये स्फेरिकल है ये भी, तो बड़े वाले का एरिया बताएगा फोर पाई आर प्लस डेल आर का स्क्वायर। सही है कि गलत है? माइनस इनिशियल मतलब अंदर वाला पहले, वो हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर। बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन आया? यस सर, फोर पाई। तो कितना हो जाएगा? फोर पाई इनटू में एस ब्रैकेट में। अब ये देखो यहाँ बचेगा आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर को ओपन किया जाएगा, बस एंड में हो, अब बिल्कुल इसके
फोर पाई एस ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस डेल आर का स्क्वायर प्लस में टू आर डेल आर माइनस आर स्क्वायर। बोलो सही है आपका। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक लाइन लिखूंगा, डेल आर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर डेल आर का स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो कैन बी नेगलेक्ट। हाँ, नेगलेक्ट कर देंगे। तो भाई ये जो यहाँ पर डेल आर का स्क्वायर है ना बच्चों, बस होने वाला है, पेशेंस रखो थोड़ा सा और होने वाला है। डेल आर का स्क्वायर भी नेगलेक्ट हो गया, इसके नीचे काटे का निशान बनाते, तो ये भी चला गया। अब बचा टू आर डेल आर, ये खत्म, ये खत्म, तो ये चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो वर्क कितना हो गया, ए इंटू में पाई इंटू में एस इंटू में आर इंटू डेल आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये थोड़ी सी मेहनत से बनता है। हाँ, ऊपर कॉमन लिया था फोर पाई, वो एस का अच्छा एस था। ओके तो भाई अब बता, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो फ्रॉम वन एंड टू खत्म करने का सुन लो। वन एंड टू, वन से कितना है पी इंटू में फोर पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल आर बराबर कितना, एट पाई एस इंटू में आर इंटू में डेल आर, डेल आर से डेल आर गया, फोर पाई से फोर पाई गया, एक आर से आर गया, तो एक्सेस प्रेशर आ गया टू एस बाई आर, एक्सेस प्रेशर आ गया 2s by r, s मतलब सरफेस टेंशन, r मतलब रेडियस। एक्सिस प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ और अच्छा बता दूं आपको, p इनसाइड माइनस p आउटसाइड बराबर 2s by r। तुम्हारी नॉलेज के लिए पेपर में यहाँ तक करना है, जो डब्बे में मत बोलो। तो बताओ मेरे को इनसाइड वाले में और आउटसाइड वाले में कौन सा प्रेशर डालते हैं? सर इनसाइड वाला, अंदर वाला ज्यादा है, किससे बाहर वाले से कितना ज्यादा है, P outside plus 2 S by R। अरे अंदर वाला आउटसाइड वाले से कितना ज्यादा है, बस कितना ज्यादा कितना है ये बताओ। तो आंसर है 2S by R, अंदर वाला आउटसाइड वाले से 2S by R ज्यादा होता है। तो ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर 2s by r होता है, मतलब अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले से 2s by r फैक्टर ज्यादा होता है। सबको क्लियर है ये बात? यस सर, यस सर। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये समझ लो कि ये तीन नंबर आपके पक्के हैं एग्जाम पेपर। ऐसा मैं एक दो डेरिवेशन में और बोलूंगा अभी, एसेंट फॉर्मूला। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया सर। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर ऑफ बबल, या फिर बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अरे पानी के अंदर जो उठते हैं बबल ही बोलते हैं। हाँ सर। या फिर बोल सकते हैं हाँ, साबुन को क्या बोलते हैं, अभी तो मैं लिख रहा था सोप। हाँ अरे हो गया, सोप बबल ऐसे बोलो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर ऑफ सोप बबल। अब सोप बबल में और ड्रॉप में अंतर होता है ये पता है आप लोगों को? यस। ड्रॉप में अंदर क्या होता है, ड्रॉप के अंदर क्या माल होता है, क्या छिपा होता है माल? सर मिनरल पानी होता है। पानी होता है या जो लिक्विड है वही होता है, लेकिन बबल के अंदर कौन छुपा होता है? एयर। और बाहर कौन होती है? एयर। कितनी जगह होती है? कितनी जगह हो गई भाई बबल में एयर? दो जगह, एक अंदर और एक बाहर। और जबकि उसमें कितनी जगह होती है ड्रॉप में, बताना जरा। एक एक जगह बाहर होती है, एक जगह। तो बबल की बात आएगी बच्चों,
तो बबल में आपको याद रखना है दो लिक्विड एयर की सरफेस होती है, एक अंदर वाली एयर लिक्विड की सरफेस और एक बाहर वाली एयर लिक्विड की सरफेस। तो बबल में कितनी सरफेस हो गई? दो। एक अंदर एयर और लिक्विड और एक बाहर एयर और लिक्विड, दो हो गई। इस वजह से जब आप इस डेरिवेशन को करोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो डेल्टा ए है यहाँ पर टू डेल्टा ए लेना है या टू से मल्टीप्लाई। क्या लिखोगे? सोप लिक्विड हैज टू लेयर और यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई हो गए बच्चों, टू या एट हो जाएगा, यहाँ आठ हो जाएगा, यहाँ आठ दूनी सोलह हो जाएगा, यहाँ पर आठ दूनी सोलह हो जाएगा, यहाँ पर चार आ जाएगा, यहाँ पर चार आ जाएगा। तो बबल के लिए एक्सप्रेशन कितना होता है? 4s/r। और ड्रॉप के लिए कितना होता है? 2s/r। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नो सर। समझ में आ गया सबको? बस क्या करना है यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई करना है, कोई सब जगह दो दो से मल्टीप्लाई होता है। समझ में आएगा? यस सर। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और एक छोटा सा एक डाउट है मेरे को, एक मेरे को छोटा सा डाउट है उसको क्लियर कर दो, फिर ये टॉपिक खत्म। अगली क्लास में कैपिलरी और कैपिलैरिटी पढ़ाऊंगा, थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक मेरे को छोटा सा डाउट है वो बता दो, कहानी खत्म हो जाएगी। चलो अब मेरे को सर एक मिनट। अरे वो हो गया, एक बंदे ने ले लिया मेरी तरफ। ओके सर। और ये जब पता है क्या है, इसमें मैंने ये देखा है ड्रॉबैक क्यों हो रही है, समस्या ये आ रही है कि बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिख ही नहीं रहे। हालांकि आज मैंने देखा सक्सेस में जो बच्चे थे मैक्सिमम सर मैं लिखती हूं, वो परसों मैंने पढ़ाया था वो लिख के लाए थे बच्चे। तो ऐसा सबको करना है, अपने नोट्स मेंटेन जरूर रखना है ना। अब मेरे को डाउट इतना है, सारे लोग सोच के बोलना और कहो तो मैं एक एक करके पूछ लूं सबसे। देखो मेरा डाउट बस इतना सा है, छोटा सा, ये बबल है, ये होते ही खत्म हो गया। मैं अगली बात, बबल पहली बात तो है एयर में, हवा में, और दूसरा जो बबल है वो पानी में। बताओ इसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा, ए वाले का और बी वाले का, दोनों ही बबल है। जल्दी बोलो भाई, बबल एयर में है तो कितना होगा प्रेशर पानी का? सर फर्स्ट वाले का 2s/r और सेकंड वाले का 4s/r। बाकी लोग भी सोचो, ये पानी है सर, करो सर। बी वाले का 4s/r होगा क्योंकि उसमें दो लेयर है ना वाटर की। सोच के देखो एयर लिक्विड की किसमें दो लेयर है किसमें एक लेयर है, बताओ भाई। पहले वाले में कितनी लेयर है कोई बच्चों बता सकता है? ये है जो बबल है हवा में, कोई भी नहीं ऐसा सर? एक एक लेयर है, सबको ये लग रहा है। कोई है जो बुद्धि लगाए सूट और मेरे को पता है बबल है, बबल जैसे उड़ाते हैं सर। दो है, दो लेयर। पहले वाले में कितनी लेयर है? दो लेयर है सर, दो। और दूसरे वाले में? दोनों बबल है। चलो सही टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, अब बोर करने लग रहे हो। तो भाई देखो इसमें अंदर भी एयर होती है बबल में, बाहर भी एयर होती है, और ये बबल होता है लिक्विड का। तो एयर लिक्विड की एक अंदर वाली सरफेस, एयर लिक्विड की एक बाहर वाली सरफेस, दो लेयर है। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर होगा 4s/r। अगर यही बबल पानी के अंदर है तो अंदर इसके एयर और बाहर पूरे में पानी, अंदर एयर और पूरे बाहर पानी है, एक ही लेयर तो है। अरे समझ में आएगा? समझ गए? इसमें देखो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, एयर लिक्विड की एक सरफेस, एयर लिक्विड की एक बाहर वाली सरफेस। इसमें अंदर ही एयर है, बाकी सब जगह तो चारों तरफ पानी है इसके। तो इसमें 4s/r होगा, इसमें 2s/r होगा। बबल में भी याद रखना, कंपटीशन में आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना।
अगर बबल हवा में है तो 4s / r है, बबल अगर पानी के अंदर है तो 2s / r होता है। एक्सेस प्रेशर, समझ गए सारे लोग? यस सर। ये वाला टॉपिक खत्म, रिकॉर्डिंग मैं रात को भेजूंगा, इसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर ढंग से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, लिख लेना, इसके बाद परसों वाली क्लास में चैप्टर खत्म कर लेना। ठीक है सर। और भाई फीस अपनी सबमिट करा दो एक आध क्लास में, वरना बड़ी दिक्कत होगी आपकी। ठीक है ना भाई? ओके सर।